सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके माँ बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। ये महज स्लोगन नहीं, संकल्प है, क्योंकि बेटी अब बोझ नहीं, वरदान है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो आधी देखी या वीडियो स्किप कर दी तो जानकारी से दूर रह जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% का सालाना ब्याज मिलता है। ये ब्याज कभी घटता बढ़ता रहता है। बजट के साथ हर साल सरकार इस परसेंटेज को डिसाइड करती है। सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम उम्र 10 साल होनी चाहिए। कम से कम 3 मंथ के बाद आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप इस खाते में 1000 से लेकर 1.5 लाख तक 1 साल में रुपये जमा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 1.5 लाख से भी अधिक की धनराशि जमा कर सकते हैं, पर 1.5 लाख से अधिक की जमा की गई राशि पर टैक्स की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि आपके पास पैसे का अभाव है तो आप 1 साल में मात्र 1000 रुपये भी इस खाते में जमा करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, यानी कि आपका खाता पूर्ण रूप से संचालित रहेगा। आप फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास पैसा आए तो 1000 रुपया या उससे अधिक जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार सबसे अधिक ब्याज देती है, यहाँ तक कि PPF अकाउंट से भी अधिक का ब्याज है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक इंसान 2 ही अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों, एक छोटा से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जमा करने पर कुल कितनी राशि मिलती है। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये महीने की धनराशि जमा करता है 15 साल के लिए, 15 साल में कुल जमा धनराशि 1,80,000 होती है और उसको 3 साल छोड़ दिया जाए, यानी कि 15 साल जमा करने के बाद 3 साल छोड़ना है, टोटल 18वें साल पर उस व्यक्ति को या उस कन्या को टोटल जो धनराशि प्राप्त होगी 5,10,370 रुपये मिलेगा। दोस्तों, सबसे अच्छा होगा कि आप कन्या के जन्म होते ही 3 महीने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप ये अकाउंट खुलवा लें और जो भी धनराशि बनती है 200, 300, 400, 500 महीने की आप जमा करते रहें और धीरे धीरे करके आप अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यदि कोई व्यक्ति इस धनराशि को बढ़ा कर जमा करता है, जैसे यहाँ पर 1000 जमा करने पर रिटर्न हम लोगों ने देख लिया, यदि आप महीने का 3000 रुपये जमा करते हैं तो रिटर्न कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितनी धनराशि मिलेगी आपको, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि महीने के 1000 रुपये जमा करें तभी आप अकाउंट खुलवाएंगे। अगर पैसा नहीं है और महीने के आप 100 रुपया भी जमा कर सकते हैं तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए। यदि आप 100 रुपया महीना जमा करने के लिए भी सक्षम हैं तो दोस्तों आप इस अकाउंट को खुलवा लीजिए और इस अकाउंट का आप लाभ ले सकते हैं। क्या पता फ्यूचर में आप 10,000 रुपया महीना जमा कर पाएँ। हर दिन एक समान नहीं होता है दोस्तों, और बचत हमेशा छोटे अमाउंट से स्टार्ट की जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति 3000 रुपया महीने का जमा कर रहा है 15 साल के लिए, तो उस व्यक्ति द्वारा 15 साल में कुल जमा की गई धनराशि 5,40,000 रुपया होता है और ब्याज मानते हैं कि 7.6% मिल रहा है, जो कि इस समय अब तक का सबसे कम परसेंटेज है करने धनराशि पर, क्योंकि FD का परसेंटेज काफ़ी गिर गया है। 4.9% इस समय FD का ब्याज चल रहा है, फिर भी सुकन्या समृद्धि योजना पर आपको ब्याज 7.6% का गवर्नमेंट दे रही है। और दोस्तों, उस पैसे को 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 18वें साल पर आपको कुल धनराशि 15,31,111 रुपया मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।